have Iranian as well as Turkish ethnicities amongst them. Also, in Iran, there is a place called Iranian Azerbaijan, where Azerbaijani is spoken. Actually, Iran's second language is Azerbaijani, and more Azerbaijani speakers stay in Iran than in Azerbaijan itself. So you can guess that this place has been a melting pot of cultures over the centuries. आज इंडिया में हम लोग शेरवानी खरीदते हैं फैब इंडिया में जाके मान्यवर में जाके, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वो शेरवानी जो हम पहनते हैं वो आया कहाँ से. अज़रबैजान से आया. टावर से यूं ही चलते चलते पहुंच गया शिरवानशाह पैलेस के इधर. अब यहाँ पे एंट्री ढूंढना पड़ेगा. ओल्ड सिटी में रहने का यही फ़र्क है, आप पैदल जा सकते हो. हालात थोड़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन अगर आप फिट हो आसानी से कर सकते हो. रात को आया था, थोड़ा अभी समझ में आ रहा है कि कहाँ होटल है कहाँ क्या है. सिम ले लिया, मैप्स चलने लगे, तो बड़ी आसानी से मैं सब कुछ ढूंढ पा रहा हूँ. इन मोहतरमा से पूछते, एक्सक्यूज़ मी, डू यू स्पीक इंग्लिश? वेयर इज़ द शिरवानशाह पैलेस? I also searching. This is the palace, but actually, just we saw someone police. Yeah, there was a guy. There was a guy there. Yeah. Okay. दूर तक अगर आपको, I don't know, इस कैमरा में दिखाई दे रहा है, offshore oil rigs है. तेल निकाल रहे. Hello, anyone there? Извините. Пожалуйста. हाँ, शिरवानशाह पैलेस. प्रियम लेफ्ट फिनिश लेफ्ट. ओके, उल्टा साइड आ गया मैं. उल्टा साइड मानेवर, इस वक्त हम हैं शिरवानशाह पैलेस में. शिरवान जो एक रूलिंग फैमिली हुआ करता था कई ज़माने में, हज़ार साल पहले, आई गेस 500 साल यहाँ पे राज किया, तो उन्हीं का ये कैसल है. और यहाँ से फिर वही फ्लेम टावर्स कहीं से भी दिखता है. ओल्ड और न्यू का एक मिक्सचर है. बाकी guys, Azerbaijani is a Turkic language, similarities with Turkish, Uzbek, Kazakh. But however, being at a strategic position, this land was ruled and conquered by various ethnicities. First it was the Iranians, then came the Turks from Central Asia, then came the Arabs, then came the Mongols, and also there was the Timur. So before all this was Azerbaijan, ye jagah ka naam Shirvan tha jo maine bola tha. तो ये एक पर्शियन किंगडम हुआ करता था, और इन्होंने यहाँ पे, ये था उनका सीट ऑफ पावर. जैसे सिमिलरली हाउ तिमूर हैड ट्रैवल टू दिल्ली टू प्लंडर द सिटी, सिमिलरली तिमूर हैड कम हियर आल्सो इन अज़रबैजान फ्रॉम सेंट्रल एशिया ड्यू टू द रिचेस ऑफ द लैंड. बिकॉज दिस प्लेस हैज़ बीन अ मेल्टिंग पॉट ऑफ पर्शियंस, टर्क्स, मंगोल्स, अरब्स. द अज़रबैजान इज एक्चुअली आर अ मिक्स्ड एथनिसिटी. Mixed ethnic people. They may speak a Turkic language, but they have lot of similarities with Iranian culture, bit of Turkish culture. So there is no, the term Turk is a misnomer. No one is a Turk. The Turks are very mixed over here. The Azerbaijanis are very mixed over here. They have Iranian as well as Turkish ethnicities amongst them. Also, in Iran, there is a place called Iranian Azerbaijan, where Azerbaijani is spoken. Actually, Iran's second language is Azerbaijani, and more Azerbaijani speakers stay in Iran than in Azerbaijan itself. So you can guess that this place has been a melting pot of cultures over the centuries. So there is a funny saying that Azeris speak Turkish, they write poetry in Persian, and when they are drunk, they sing in Russian. Funny thing.
टोम का डिज़ाइन थोड़ा बहुत हमारे मुगल आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है, हुमायूं टोम मान लीजिए या ताजमहल मान लीजिए, उस टाइप का थोड़ा सा सिमिलर है। हालांकि ये जो है ना, ये जो गेट है, ये एक पर्शियन स्ट्रक्चर है। ये ऐसे स्ट्रक्चर आपको ईरान में मिलेंगे, अफगानिस्तान में मिलेंगे, उज़्बेकिस्तान में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये ऐसा गेट है। तैमूर खैर पर्शियन तो नहीं था, लेकिन इस तरफ दिल्ली, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, यहाँ पे लूट करते करते धीरे धीरे पर्शियन होता गया। यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, पर्शियंस नोन फॉर देयर आर्किटेक्चर, सो वो जितना लूटता गया तैमूर, उतना उसको आइडिया होता गया कि अच्छा आर्किटेक्चर कैसे बनाए जाते हैं, तो ऐसा आर्किटेक्चर बना दिया। तो वही तुर्की और पर्शियन फिर से मिल गए। इट्स सच अ हॉजपॉज ऑफ कल्चर्स ओवर हियर। कौन सा एक्चुअल में तुर्की कल्चर है, कौन सा एक्चुअल में पर्शियन कल्चर, आपको समझ में नहीं आएगा। एक और मज़ेदार बात बताऊँ, शिरवान ये जो नाम है ना, ये जो एरिया का नाम है, वो किंगडम था शिरवान। इनका ये जो वर्ड है ना शिरवान, इनका जो ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस जो पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हो आप, उसको शिरवानी बोलते हैं। ये जो शेरवानी हम पहनते हैं ना इंडिया में, पाकिस्तान में, इसके ओरिजिन्स अज़रबैजान हैं। शिरवान शाह शिरवानी लेके आया था और वहाँ से देखो कहाँ कहाँ चला गया। आज इंडिया में हम लोग शेरवानी खरीदते हैं फैब इंडिया में जाके, मान्यवर में जाके, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि वो शेरवानी जो हम पहनते हैं वो आया कहाँ से। अज़रबैजान से आया। यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे मॉस्क्स हैं, कुछ टूटा वूटा है, कुछ अच्छा है, तो मिक्स है पूरा। ये जो मॉस्क है, ये 1918 में आर्मेनिया ने यहाँ पे शेलिंग किया था। तो अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में अभी भी एक वॉर चल रहा है, दोनों का 36 का आंकड़ा है, तो उसी का एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये जो रुइंस है, ये टूटा वूटा है, ये शेलिंग के कारण हुआ था, जब आर्मेनिया ने शेलिंग किया था अज़रबैजान के ऊपर इस मॉस्क पर। लोग भी अच्छे अच्छे शौक पाल लेते हैं, बहुत अतरंगी शौक होते हैं, उसमें से एक है मिनिएचर बुक कलेक्ट करना। मैं ऐसा एक म्यूज़ियम के अंदर हूँ जहाँ पे एक बंदा है, कोई तैमूर नाम है उनका, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है, करीब 3,000 मिनिएचर बुक्स, मिनिएचर यानी छोटे छोटे बुक्स, किताब ऐसे हैं। तो ये एक फ्री म्यूज़ियम है इचरी शहर के अंदर, आ जाइए देख लीजिए, फ्री है। स्पॉन्सर्ड है शेवरॉन, आज ऑयल, आज यूरोटेल, बहुत सारे पेट्रोलियम कंपनी और गवर्नमेंट कंपनीज़ ने इसको स्पॉन्सर भी किया है, इल्हाम अली प्रेसिडेंट ने भी किया है। देखिए कलेक्शन यहाँ पे, सॉरी, हु इज दिस? क्रिएटर ज़रीफ़ा सलाहुवा, प्राइवेट कलेक्शन ऑफ ज़फ़ीरा सलाहुवा। देर इज बाइबल, देर इज कुरान, देर इज एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल। रिलीजन बुक शोकेस नंबर 3, रिलीजन बुक, ओके, बाइबल, लिटिल बाइबल, कुरान, 17th years. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? हिंदुस्तान लार, इन इंडिया, इल्हाम अलीयेव प्रेसिडेंट, या पब्लिश्ड मिनी बुक्स पब्लिश्ड इन अज़रबैजान। सर्टिफिकेट गिनीज वर्ल्ड, यस आई सॉ इट आउटसाइड, सलाहुवा ज़रीफ़ा तैमूर। रशियन बुक्स भी है, मैग्निट्का, ऐसा लग रहा है ना, छोटे छोटे माचिस के, लाइटर के डिब्बे हैं, माचिस के डिब्बे लग रहे हैं ऐसे।
हिस्ट्री बुक्स है, रिलीजियस बुक्स है, इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश बुक्स, white container, smallest book in the world, white container inside black point. Okay, black. यहाँ भगवत गीता हनुमान चालीसा भी है हिंदी में, वाकई बहुत अच्छा लगा यहाँ आके. अनोखा कलेक्शन है, अनोखा कलेक्शन, यहाँ ज़रूर आइए, मस्त है ये. गर्मी बहुत हो रही है बट इट्स वर्थ इट. इंडियन पाकिस्तानी सब लोग आके एकदम फ़ोटो खिंचाने में बिल्कुल एकदम बिजी है, तरह तरह के पोज दे रहे हैं. मुझे शायद मेरा अच्छा फ़ोटो नहीं आया, मुझे शायद एक और बार पोज देना पड़ेगा. 30 रुपये मतलब 30 पैसा इनका, तो मतलब 14 रुपये. तो 14 रुपये में आप मेट्रो में कहीं भी जा सकते हैं, बस में भी कहीं भी जा सकते हैं 14 रुपये में. तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, आराम से बाकू सिटी. ये ना कुछ कुछ वो बेलग्रेड में खनेज मिहालोवा स्ट्रीट है ना, वैसा लग रहा है. ये तो मॉस्को में अरबाज़का स्क्वायर, अरबाज़का स्ट्रीट वैसा ही है. फुल्ली पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, नो कार्स अलाउड. 1.3 किलोमीटर स्ट्रेच सराउंडेड विथ शोरूम्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, एम्बेसीज, शीशा बार, आउटडोर सिटिंग्स, महफिल बनी है बॉस.